प्रगति मारी लाडली। मारी बात आज तू कान खोल कर सुन ले कि मैं घर छोड़ कर गई थी, रिश्ते नाते तोड़ कर ना गई थी। डॉक्टर साहब अब सरपंच जी कहाँ है? वो अंदर वार्ड में है लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकती। कहे ना मिल सकूं मैं? देखिए अभी वो बेहोश है और जब तक होश नहीं आ जाता मिलने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन कल सुबह सूरज के उगते ही पहली किरण के साथ उस रणवीर की जिंदगी की आखिरी गिनती शुरू हो जाएगी। छोटे हुकुम आखिरी गिनती शुरू। जाऊंगी मैं अपने ठुकराए हुए रिश्ते के लिए, अपने बेटे के खोए हुए रिश्ते को पाने के लिए।
अब हम उसको सजा खुद देंगे। बोलो मंजूर है? चलो अब जो भी होगा थाने चल के ही होगा। चलो मेरे साथ थाने चलो। चलो सब लोग। चलो भाइयों चलो। आयो थाने का घेराव करने। कैसा लग रहा है बड़े हुकुम? अबे थोड़ा ठीक। हुकुम आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, गोली आपकी बॉडी से निकाल दी गई है, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप आराम करिए। आ गया है, अब वो ठीक लग रहे हैं। अभी मिल सकते हैं ना भाई साहब से? हाँ हाँ मिल सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। ये क्या किया भगवान तूने? बेटे के हाथों बाप पर गोली चलवा दी। कौन सी नई महाभारत रच रहा है तू? क्या करने वाला है? क्या चाहता है तू? पता है मुना, तुम्हारे से ना घृणा करने का नाटक कर रही है। मारा कष्ट तू कभी देख ना पाएगी। मैंने तुझे जिंदगी भर दुख दिया, परेशान किया, पर आज जब मारी जिंदगी की बात आई तो खुद को रोक ना पाई ना तू। मैं यहाँ आई हूँ रुद्र, किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, अपने बेटे के बाप के लिए आई हूँ। सिर्फ ये सोचकर आई हूँ कि कहीं कहीं बेटे के हाथों बाप का खून तो नहीं होगा। एक दिन आएगा
जब हम साथ होंगे, मैं तू और मारा छोड़ा। उन्हें गोली लगी है, ऑपरेशन हुआ है उनका, तो उनसे ज्यादा बातचीत ना करिएगा, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। ठीक है, ओके। चलो भाभी साहब, आपको देख के ना भाई साहब और खुश हो जाएंगे। जल्दी रुको। कड़ी बिल्ली मारा रास्ता करना। अभी कोई अंदर ना जाएगा। अरे चौटाला, तुम्हारा दिमाग ना बहुत खराब है, ज्यादा बकवास करेगी तो उठा के बाहर फेंक दूंगा तारे को। भाग यहां से। छोटे हुकुम, आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि जब आदमी के सर पे दुखों का पहाड़ पड़े ना तो वो पागल हो जाए, पर हमारे को मालूम है कि आप इतने कमजोर ना, अपना दिमाग शांत रखो। ये सरकारी मामला है और जो जबरदस्ती इस मामले में टांग घुसने की कोशिश करी ना तो टांग फंस जाएगी, मुसीबत में पड़ जाओ। बड़े हुक्म से सबसे पहले मैं मिलूंगी और जब तक मैं उनका बयान ना ले लेती कोई उनसे ना मिल सकेगा। रानी जी, आप ही मिल लीजिए बड़े हुकुम से पहले, आपका मिलना ज्यादा जरूरी है। जे हुई ना कोई बात वसुधा जी, हमारे को तो पहले से ही मालूम था कि जिस हवेली में आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। एक बात और सुन, डॉक्टर है ना, अभी अभी गया हूं और उसने कहा है कि हमारे भाई साहब से ज्यादा बातचीत नहीं करना, उतने ही सवाल पूछना जितने के जवाब वो देना चाहे। मोहरे को कानून सिखाएगी। अरे कानून की किताब लिखते हैं हम। दुर्गेश्वरी चौटाला, बैठ बैठ बैठ। हमेशा गलत समय पे आती है, हमारे को आराम ना करने देवे तो मजा आता है तारे को। अब क्या करे हुकुम जी, हमारी नौकरी ऐसी है कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जाना पड़ जावे। आप तो ये बताओ हुकुम कि आपकी तबीयत कैसी है? तारे सामने बड़े देख ले। भगवान का लाख लाख शुक्र है हुकुम की आपकी जान बची। अच्छा, दिल से पूछ रही। हुकुम, हम भी इंसान हैं, वो बात अलग है कि कभी कभी कुछ लोग हैवान बनने पर मजबूर कर देते हैं। खैर छोड़ो, ये सब बातें करने से कोई फायदा ना है। अभी तो हमारे को आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप बात कर सको ना हुकुम? देख मारे को पता था ना, हमेशा गलत टाइम पे आवे तू, परेशान करने आ गई मारे को फिर से। बोल।
बात ध्यान रखना, कोई बुरी खबर मत सुना देना, मैंने समझा ना। छोटे हुकुम, हमने पूरे थाने को घेर लिया है और अब जय गांव की पूरी जनता हमारे साथ में। छोटे हुकुम, के बात हमारे घोड़े, लगता है उस अंग्रेजी घास के रस ने थोड़े दिमाग को ज्यादा उपजाऊ बना दिया, और इस गांव में अगर प्रधान से भी ऊंची कोई पोस्ट होती ना तो थारे को दे देता, मैं समझा ना। ए, मारी बात सुन, किसी को शक तो नहीं हुआ ना? शकी हो गया तो छोटे हुकुम जय ननको किस काम का? आप तो हुकुम कीजिए कि आगे क्या करना है। एक बात याद रखना, उस रणबीर को थोड़े से निकाल के घसीटवाना, पहले घसीटते हुए चौपाल तक लाना और जिंदा जलवा देना। जी छोटे हुकुम, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। रणबीर और उसकी माँ को यह पता होना चाहिए, इस गांव में जो किताबों में कानून है ना, वो हमारे गांव के कानून से कितना अलग है। अरे इस गांव में वो कानून चलता है जो हमारा भाई सा लिखता है। जी हुकुम। मैंने उस शेरवानी में छुपे गीदड़ रणबीर की चीख सुनी है, अरे उसकी चीख यहाँ तक, मेरे भाई साहब के अस्पताल तक, पूरे धूलराव चौहानपुर हर जगह सुननी है। कर पाएगा ना ननको? इतनी चीखें सुनाऊंगा छोटे हुकुम, इतनी चीखें सुनाऊंगा कि जाके आपकी आत्मा तड़पत हो जाएगी। हे भगवान, ये गजोधर आदमी है या राक्षस? अपना बदला लेने के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकता है। इससे पहले की स्थिति और बिगड़े, मुझे तुरंत रणवीर के पास पहुंचना चाहिए। रणवीर को हमारे हवाले करो, जिसने हमारे बड़े हुकुम दे गोली चलाई उसको हमारे हवाले करो, जिसने हमारे बड़े हुकुम को सीने में गोली मारी है जिसको हमारे हवाले करो। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अमलदार जी, हमें अंदर जाने दो, हमें रणवीर चाहिए। कौन चाहिए? भाइयों बहनों, आप लोग यहीं पे रुको, मैं अंदर जाके जय रणवीर को लेके आता हूँ जिसने हमारे बड़े हुकुम पर गोली चलाई थी। चल सोनो, चुगलू, अनमोल, चल मेरे साथ। चलो सोनो, चलो चुगलू, छोड़ेंगे नहीं उस हत्यारे को। चलो घुस जाओ बहादुरो, और दिखा दो जय दुनिया वालों को कि चौहानपुर और दूलाराव की जनता में कितनी बड़ी ताकत है। खींच कर निकालो इस बदमाश को, इस बदमाश ने हमारे अंदाता, हमारे बड़े हुकुम को जान से मारने की कोशिश की है। अरे सिपाहियों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? खींच के लाओ इस हत्यारे को, खींच के लाओ बाहर। अरे तू अंदर क्या खड़े खड़े अपनी ताकत बता रहे? तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे ननकुशेर से बाढ़ आके भिड़ के बता। ए जुगनू, तू देख रहा है आरएटी रेट, और रेट यानी चूहा। चूहा मैं जुगनू, देख ऐसे खड़ा जैसे ऊंदरा ऊंदरा ऊंदरा। तो बाहर निकल, बाहर क्या निकल, निकल बाहर निकल, बाहर निकल, डरते कहीं के निकल, बाहर निकल, पकड़ी से पकड़ी से पकड़ी से पकड़। अकेल साहब, जय ननको सेठ, बनिया बनिया, सस्ता सौदा कभी भी ननको सेठ ने ना किया। जब भी ननको सेठ ने सौदा किया अपनी जिंदगी में महंगा ही महंगा किया है। आज यह सौदा तुझे कितना महंगा पड़ता है, ले चल ऐसा बात, चल चल चौपाल पर। रुको, हटा, क्या तमाशा लगा कर रखा है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? चुप चुप,
तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अच्छा और तन्ने हमारे राजा को मारकर अच्छा किया? वो कोई तुम्हारा राजा वजा नहीं है, वो कहीं का राजा नहीं है। अच्छा अरे वकील है ना तू वकील, तन्ने कोर्ट में बोलने की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। चल आज तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। चुना से चौपाल पर रुको। हटो, क्या तमाशा लगा कर रखा है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? चुप चुप चल रखी। रुको भाइयों, इसने हमारे राजा को गोली मारी है, हमारे बड़े हुकुम को गोली मारी है। इस सपोले के साथ इस नागण को भी ले चलो। ले चलो इसे, पकड़ो, चलो। अरे चलो, छोड़ो मुझे। आज इसके बेटे के साथ जय नागण को भी सजा मिलेगी। निंजा के लोगों को पता लगे कैसे सपोलों को पैदा करने का नागण को क्या अंजाम मिलता है। चलो इनको लेके चलो सब। चलो 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 चलो। एक मिनट रुको। मैंने सुना है कि आप पर रणबीर ने गोली चलाई। देख मारे को ये नहीं पता कि रणबीर का चतुर को मारना चाहता था कि नहीं, पर ये सच है कि रणबीर ने मारे को गोली नहीं चलाई। फिर आपको गोली कैसे लगी हुकुम? तुमका जोधार और रणबीर का झगड़ा बढ़ गया, वो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, मैंने खुद को गोली मार दी। तो यही सच है। मैं बताती हूँ थारे को, ये गांव वाले के चावे हैं। ये चावे हैं कि अरुणा जी और रणवीर को उनके हवाले कर दिया जाए। वो लोग उन दोनों को गांव के चौपाल पर ले जाकर मारने की योजना बना रहे।